अभी हम उतर चुके हैं और इस वक्त ठंड तो बहुत है यहाँ पे। लेट्स सी अंदर की क्या पोजीशन है कि हम यहाँ के पांडा वर्ल्ड में जाने लगे। और इधर का न्यू ईयर भी शुरू होने वाला है, रश बहुत ज़्यादा नहीं है, नहीं तो आम दिनों में बहुत रश होता है यहाँ पे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे जो झील बनी हुई है वो इस टाइम बर्फ़ बन चुकी हुई है। आई विल शो यू दिस वन इन द सेक, झील आ गई है। आर्टिफिशियल लेक बनाई हुई है इन्होंने, बड़े हार्ट बने हुए हैं, हमें हमारे फ्रेंड बता रहे हैं। हेलो, दो हार्ट बने लेकिन मेरा लव से ट्रस्ट उठ चुका हुआ है। अजी तो आपका क्या पोजीशन चल रही है लव के बारे में सर? लव के बारे में तो मैं भी ऐसे सोचता हूँ कि ये सब ठीक है, बेकार है। यहाँ पे सारे जो है ना नाकाम आशिक जा रहे हैं इकट्ठे लगता है। ठीक है जी, अब देखिए कि हमें यहाँ पे कोई आशिकी मिलती है या नहीं मिलती। चाइनीज आशिकी कामयाब है या नहीं आशुतोष भाई? इसके बारे में हम ऐसा कहना चाहेंगे या फिर ये भी मेड इन चाइना है? चलते चलते चाइना ही है जी। अच्छा जी, चलते चलते रुक जाती है मतलब? हाँ, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। तेरी खैर। और ये हमारे पीछे तीन आशिक और भी जा रहे हैं। ये खुश खुश है, ये एंजॉयिंग चाइनीज लाइफ। ठीक है ना, लेट्स सी प्रैक्टिस करने के लिए ये लोग जिस तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट कर रहे हैं, बड़ी अरेंजमेंट कर रहे हैं। और ये देखिए पार्क है यहाँ पे, वाटर पार्क। और उधर हम स्कीइंग करेंगे, वो जो आपको व्हाइट नजर आ रहे हैं। हम पहले स्कीइंग पे जा रहे हैं जी? जी, पहले हम ये देखेंगे पांडा देखेंगे, सबसे पहले पांडा देखेंगे। कल भी मेरे घर वाले पूछ रहे थे कि आपने पांडा देखा है, तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने इवन पोलर बियर देखा है बीजिंग में, और पांडा मैंने जिनान में भी देखा है और बीजिंग में भी देखा है। और इट इज रियली क्यूट मैन के उस, और जो चीजें हम पढ़ते थे बचपन में कि बैम्बू खाता है, तो मैंने उसे बैम्बू खाते हुए भी देखा। हमें भी दिखाएंगे जी। और ये आप देख सकते हैं ये व्यू, हमारा जो वेस्ट पाकिस्तान था वो पीछे रह गया। वेस्ट पाकिस्तान, जल्दी आओ। बांग्लादेश को चाइनीज में मोजाला मंगजाला गोवा कहते हैं जी। तो अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया हुआ जी, रैबिट बनाया हुआ, चूहा नुमा, ये चूहा चूहा चूहा। और हम यहाँ पे फिश भी हैं, और ऊपर बर्फ की एक लेयर्स लगी हुई है। और ये देखें अल्लाह ताला का क्या सिस्टम है कि नीचे जो पानी होता है और यही बर्फ जो है ओपेक के तौर पे एक्ट करती है, और नीचे जो पानी है उसको गर्म रखती है। और इसी वजह से जो लिविंग क्रिएचर है उनके लिए नीचे जो पानी है वो गर्म है और ऊपर जो है बर्फ है। ये शीशे का ब्रिज दिखाएंगे ये शायद बाबा भी कौन सी ग्लास ब्रिज शायद बाबा ही है। शायद बाबा का मोबाइल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वीडियो बनाने के। अब ये पहले कदम जो है, मछली पकड़ भी सकते हैं? नहीं जी, मछली नहीं पकड़ सकते हम, ये ग्लास ब्रिज पे चल रहे हैं। अब आप देख सकते हैं सनराइज भी है। ब्यूटीफुल दे हैव डन। चाइनीज लोग भी है काम कर रहे हैं। और हम उन्हें विशेस कर रहे हैं जी न्यू ईयर की। आशुतोष भाई भी उन्हें न्यू ईयर विश कर रहे हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम, सब कुछ हो रहा है एक साथ। यहाँ पे हमने चाइना में मल्टी कल्चरिज्म बहुत सीखा। क्या कहते हैं, इंटरनेशनलिज्म हो गया, इंटरनेशनलिज्म हो गया, क्योंकि हम जो है ना नेशनलिज्म से निकल के इंटरनेशनलिज्म में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, जरूर जरूर। और ये अच्छी चीज है, क्या कहते हैं? सही बात। मल्टी कल्चर बहुत सीखने को मिलता है इंसान को, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन। बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान, गोरों ने हमें लादा करने के
के लिए बहुत कोशिश की है, लेकिन देख लो चाइना ने हमें फिर यूनाइट कर दिया। ऐसे है नहीं है। और ये पीछे हाथी वगैरह, और ये आप देख सकते हैं खुद ब खुद आ रहे हैं। ये भी देखें जी, दिखाएं जी शायद बाबा, ये क्या है जी? जी वो भी, वो पीछे जो है आप देख सकते हैं कि हमारा एक चाइनीज मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है इन्होंने। ये चाइना का जो सबसे कल्चरल है वो इनकी जो हार्ट शेप है ना, ये इनकी मोस्ट फेमस चीज है। इनके जितने भी टेम्पल्स बने हुए हैं और कल्चर जो है, इवन के जो बीजिंग वाला वो है जी चाइनीज स्क्वायर जो बनाया हुआ है, उस पर भी यही है। और हम अब सऊदीया पहुंच गए जी, सऊदीया के ऊँट आ चुके हैं आप देख सकते हैं। आ गया जी, ठीक है ना, वो अपना प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए पांडा के लिए इन्होंने बैम्बूज भी अपने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए हैं, ताकि बैम्बू भी बाहर से इम्पोर्ट ना करना पड़े। ये उसका फूड है सारा पीछे, आप बैम्बू देख सकते हैं। आशुतोष भाई ये क्या है? ये वाली जो बिल्डिंग है, ये तो क्या बोलते हैं, वैसे ही लोगों के लिए गेस्ट हाउस बनाया है, कोई लोग आते हैं तो रेस्ट कर सकते हैं। इधर स्टे का भी इंतजाम है? हाँ जी। वाह, चाइना की अच्छी बात ये है कि ये अपना कल्चर नहीं भूले, ये अपना न्यू ईयर ही मनाते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे इन्होंने स्नो को प्रेजेंट किया, स्नोमैन बनाया हुआ, पेंगुइन है, मशरूम बनाया हुआ इन्होंने, हार्ट बनाया हुआ। और ये सामने आप देख सकते हैं, हम पहुँच चुके हैं पांडा के पास, और ये जिराफ भी बनाया हुआ है। हमने किधर से एंटर होना है जी पांडा, किधर से? ठीक है, ये तो ढेर सारे पांडा बनाए हुए हैं जी। ये देखिए जी, पांडा सिटी शुरू हो चुकी हुई है, द लाइफ ऑफ पांडा। और ये हम पांडा वर्ल्ड के करीब पहुंच गए हैं जी, यहाँ से पांडा की दुनिया शुरू होने वाली है। शाम गुआन लिखा हुआ जी है, ये 14 साल का पांडा है, और 2005 में ये आया था इधर। हाँ 12 साल वाला भी है। और ये हम एंटर होने लगे, और पांडा जो है इस टाइम बेचारा थका हुआ। पांडा दुखी दुखी लग रहा है हमें, पांडा दुखी दुखी है। सुना? सुना? और एक पांडा उधर बैठा हुआ, तो दोनों दुखी दुखी हैं आज पांडा। वो आप देख सकते हैं पांडा सामने फेर रहा है जी पांडा, उधर आवाज। पांडा साहब जो है नखरे में है, पांडा इस टाइम गंदा मंदा हुआ हुआ है, थका हुआ बेचारा, ये भी हमारी तरह सर्दी में मारा हुआ है जी। और ये देखें जी, अब ये ऊपर चढ़ के हमें दिखाएगा पांडा जो है इस टाइम, स्लाइड लेगा या नहीं लेगा जी? ये पांडा साहब ये थक गए, क्योंकि ये बहुत आ जाता है कि मैं भी थोड़ा सा चल के थक जाता हूँ, मैं सो जाता हूँ। Her first day over here and she's lucky to meet us. Yeah, yeah. Nikhoi Bukhoi Shua Ying Yuma. She's very beautiful. Yeah. Ni mien bai Tashua Shamana. Tashua, ni hao pshali hai. Ay, ni hao khashil hai. Ye dekhe. Aur hum ab chidiya ghar mein aa gaye hain ji. Aap dekh sakte hain. Wo dekhe. ये टर्की है जी, टर्की है। और ये जवाब भी देता है आशुतोष भाई, खाली चाइनीज ही नहीं बोल सकते, टर्किश लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। लेकिन ये टर्किश लैंग्वेज जो है तुर्की वाली लैंग्वेज नहीं है,
के वाइट टर्की वाली लैंग्वेज है। अब यहाँ पे कुकड़ भी आ गए, कुकड़ का मार का यार मुर्गे देख सकते हैं, जिसके अंडे पाकिस्तानियों को और सब कॉन्टिनेंट के लोगों को बहुत पसंद है। यहाँ पे हिरन आ गया, ये देखें जी हिरन आ गया। ला 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 ला, कुछ खाने को दो यार इसको, नीचे से पत्ता उठा के तो नहीं खाना नहीं, ये पत्ते पत्ते खिला दो, मैं ट्राई मारता हूँ शायद ये खा ले। और इसने मुझे बेइज्जती कर दी, तो मुझे और आप देख सकते हैं यहाँ पे गेस्ट आए, मिल ही नहीं रहे आप, उन्हें नखरे कर रहे हो। ये भी चाइनीज के डियर की तरह है, जिसका चाइनीज एटीट्यूड कभी कभी दिखा देते हैं ना, ठीक है ना, इनको तमीज नहीं सिखाई। यहाँ के डियर हैं, अब आगे हम जाते हैं तो बतखें आ जाती हैं और आगे चलते हैं। ये वाला इस एनिमल का क्या नाम था जी, ये थूक भी फेंकता है, इसका नाम मुझे खुद लामा लामा ग्लामा कहते हैं इसको, और ये थूक फेंक देता है मुंह पे, इसलिए इससे ध्यान से रखिएगा जी। और ये बड़ा क्यूट होता है, ये भेड़ की तरह लेकिन बहुत क्यूट है, इसके व्हाइट कलर के जो होते हैं बहुत क्यूट होते हैं, जो न्यूजीलैंड का फेमस एनिमल है ये लामा जी लामा लामे। ये आप देख सकते हैं शायद बाबा वो आपसे मिलने आ रहा है। यहाँ पे बतखें थी और इनका डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स रखे हुए हैं यहाँ पे। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या है, लेट्स सी। और शायद बाबा अभी तक आपने बतखें देख ली, अब बर्ड्स आई हैं जी। और यहाँ पे बर्ड्स हैं, ये देखिए जी, ये छोटे तोते हैं, बड़े खूबसूरत पैरट्स आप देख सकते हैं। हम आगे जा रहे हैं आगे। हेलो, ये मेरा फेवरेट पैरट है जी, ये मेरा फेवरेट पैरट, और ये मुझे फेवरेट परिंदों में से एक परिंदा है ये मेरा। डिस्टर्ब कर रहे हैं भाई जी आप उनको, गाने गा रहे थे, डांस कर रहे थे। अच्छा ये देखिए जी, डांस भी कर सकते हैं ये चीज, ये उनका माइकल जैक्सन है जी। और ये आगे, ये आगे हैं जी लोफूरा लोफूरा, ये देखें जी, इन्होंने सफाई का बहुत अच्छा ख्याल रखा हुआ है जी। और ये पीकॉक आ गया जी, ये तो पाकिस्तान के मोस्ट फेमस हैं जी, आप कभी आइएगा आपको दिखाएंगे। और हम आगे बढ़ते हैं, ये खरगोश है जी, ये देखिए जी खरगोश है, ये देखिए हमारे साथ खरगोश है, पानी पी रहा है, और ये बड़े क्यूट क्यूट है। और इनको हमने ऑपरेशन किया था जब हम डॉक्टर बन रहे थे, और इन्हीं के रिश्तेदारों को हमने कत्ल की गार्ड उतार दी। और ये आशुतोष भाई के, इनके लिए मैंने गाजर 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 के इंतजाम किया था, गाजर खा चुके हैं। हाँ जी गाजर है, सब खा लिए। और ये और की तलब है, और आपके पास गाजर खत्म हो चुकी है। हाँ जी हाँ जी, अब इन्हें उंगलियां खिला रहे हैं जी, आप कल लेके आएंगे। और ये आप देख सकते हैं कितने क्यूट है, इनके जो खरगोश है उन पे फर भी बहुत थिक है, क्योंकि ये ठंडे इलाके के खरगोश है, और ये बड़े क्यूट से, ये देखें आप, देखो यार कोई हसन के पत्ते पड़े हैं, देखो कोई पत्ते खिलाते हैं इनको यार। और आपको हम दिखाते हैं कितने क्यूट पोनी है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। और आप ठंड का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि यहाँ पे टूटी थोड़ी सी खुली हुई थी, और ये पानी जो है बर्फ बन चुका है,
और मैं ट्राई करूँ कि स्कूटी को बंद कर दूँ, क्योंकि सेविंग वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सेव वाटर सेव लाइफ। ये बड़ा गुस्सा करने वाला है, ये इस तरह गुस्सा करते हैं। और ये देखे चूहे, वाह जी वाह, ये देखे जी चूहे आ चुके हैं। ये टॉम एंड जेरी वाले रैट्स हैं और माउसेस हैं, और ये बड़े क्यूट क्यूट हैं, छोटे छोटे से, ये आप देख सकते हैं। नहीं नहीं, ओरिजिनल कलर है जी, हमारे वाले होते ही बड़े कोजी हैं, देख के दिल खराब हो जाता है। और इस वक्त हम ग्लास ब्रिज के ऊपर खड़े हैं, ये आप देख सकते हैं, और हम चलते हैं। शायद बाबा आप भी आ जाओ, ये आए शायद बाबा, और ग्लास ब्रिज पे आप जाते हैं और आगे आप चेक कर सकते हैं, हाउ ब्यूटीफुल। पहले आप माउंटेंस भी दिखाएंगे पीछे वाले, ये पीछे माउंटेंस भी है, और आगे हम चलते हैं, आप देखते हैं ग्लास ब्रिज आ रहा है। How beautiful they have. This place is very lovely. Look. ये देखें जी, बहुत खूबसूरत जगह है, और हम खड़े हैं ग्लास ब्रिज पे। उन्होंने कितना अपना जबरदस्त बनाया सिस्टम, ये आप देख सकते हैं, सारा ग्लास ब्रिज है, ग्लास का बना है। हीटर भी है जी, ठीक है ना, बेड भी लगा हुआ है, आप इधर ही सो जाए, आपको हॉस्टल जाने की जरूरत नहीं है। और ये वाली बात ही सही कह रहे हैं कि इसके अंदर उन्होंने वेंटिलेशन के लिए एसी सिस्टम भी लगाया हुआ है, हर जितनी भी बुलेट्स बनी हुई है ना इसमें, ठीक है ना, इन सारों में।